आज मैं आपको बताऊंगा हनुमान जी के बारे में। हम लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति और मंदिर तो जरूर देखा होगा, पर हमने ये कभी गौर नहीं करा कि हनुमान जी को हमेशा लाल चोली ही चढ़ाई जाती है और उनका रंग हमेशा लाल ही क्यों होता है। तो इसके बारे में मैं आज आपको कुछ बताऊंगा। दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है, जो कि एक बार हनुमान जी ने माता सीता की अपनी मांग भरते हुए देखा। तो हनुमान जी ने पूछा कि माता सीता, ये आप क्या लगा रही हैं और ये आप क्यों लगा रही हैं। सीता माता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि ये सिंदूर है और ये मैं अपने स्वामी श्री राम के लिए लगाती हूँ, उनके प्रेम व सौभाग्य का प्रतीक है। निश्चल मन और भोले स्वभाव के हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे ही। उन्होंने सोचा कि अगर चुटकी भर सिंदूर श्री राम को इतना प्रिय है, तो अगर वह अपने पूरे शरीर को सिंदूर से ही भर लें तो प्रभु कितने प्रसन्न होंगे। उनके मन में आया कि अगर एक चुटकी सिंदूर प्रभु की आयु बढ़ा सकता है, तो मैं अगर अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूँगा तो प्रभु अमर हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लेता हूँ। इस कारण हनुमान जी का रंग लाल रंग का होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।